हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। जैसा कि आपकी डिमांड पे भी वीडियो लाने की मैं कोशिश करता हूं, तो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ये कमेंट किया था कि यामा रिजिड आर का कंपेरिजन टीवीएस एंड टॉर्क से किया जाए। तो यहाँ पे इसी वीडियो में यामा रिजिड आर का कंपेरिजन मैं टीवीएस एंड टॉर्क से करने वाला हूँ। दोनों में क्या डिफरेंसेज हैं, कितने सिमिलैरिटीज हैं, क्या लेटेस्ट प्राइस है, क्या माइलेज मिल जाते हैं, सारी जानकारी आपको एक वीडियो में देखने को मिल जाएगी। और अभी कुछ टाइम के बाद यामा रिजिड आर का हाइब्रिड वेरियंट भी लॉन्च होने वाला है। तो अगर आप यामा रिजिड आर का हाइब्रिड वेरियंट लेना चाहते हैं तो आपको कुछ टाइम के बाद मिलेगा। फिलहाल यामा रिजिड आर का जो वेरिएंट चल रहा है, जो मॉडल चल रहा है, उसके बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए अब डिटेल में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके कलर ऑप्शन से। तो यामा रिजिड आर में आपको दो वेरियंट डिस्क और ड्रम मिल जाएगा। इसके ड्रम ब्रेक वेरियंट में दो कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें मेटेलिक ब्लैक और कियान ब्लू शामिल है। तो इसके डिस्क ब्रेक वेरियंट में पांच कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें मेटेलिक ब्लैक, कियान ब्लू, डार्क मैट ब्लू, रेडिश येलो कॉकटेल और मैट रेड मेटेलिक शामिल है। तो ये टीवीएस एंड टॉर्क में आपको काफी सारे एडिशन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं इसके स्टैंडर्ड एडिशन की बात करूंगा, जिसमें भी आपको डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें ड्रम ब्रेक वेरियंट में दो कलर ऑप्शन मेटेलिक ब्लू और मेटेलिक ग्रे मिल जाएगा। तो इसके डिस्क ब्रेक वेरियंट में चार कलर ऑप्शन मैट रेड, मेटेलिक ब्लू, मेटेलिक ग्रे और मेटेलिक रेड शामिल है। तो यहाँ पे आपको दोनों में काफी सारे कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, तो जो आपको पसंद है उसको आप ले सकते हैं। लेकिन तो बात कर लेते हैं इनकी डिजाइनिंग की। यहाँ पे सबसे पहले रिजिड आर की डिजाइनिंग को देख सकते हैं। फ्रंट से काफी स्पोर्टी लुक देती है, काफी अच्छे कट्स बनाए गए हैं। इसके फ्रंट एप्रन पे हेडलैम्प दिया गया है। तो इसमें टर्न इंडिकेटर लाइट आप देख सकते हैं, जैसे आपको बाइक्स में देखने को मिलता है उस तरीके का यहाँ पे टर्न इंडिकेटर लाइट दिया गया है। और बीच में यहाँ पे इसके हेड पर ही आपको पोजिशन लैम्प भी मिल जाता है, जो की काफी अच्छी सिग्नेचर लुक देती है। तो इससे साइड व्यू से बात करें तो इस साइड से भी देखने में काफी अच्छी लगती है। हालांकि इसके फ्लोर बोर्ड में जो स्पेस दिया गया है वो थोड़ा सा कम मिलता है, लेकिन यहाँ पे लंबी आपको सीट मिल जाती है। साइड वाले पैनल पे 125 के साथ रिजिड आर का स्टिकर मिल जाता है यहाँ। और यहाँ पे आपको ब्लैक फिनिश ज़्यादा देखने को मिल जाती है। तो इसके एग्जॉस्ट सिस्टम को आप देख सकते हैं, काफ़ी स्टाइलिश दिया गया है। और पीछे आपको ग्रेव रेलवे मिल जाता है, जो कि स्प्लिट नहीं है, और पीछे टेल लैम्प दिया गया है। तो कुछ इस तरीके की डिजाइनिंग आपको रिजिड आर में देखने को मिल जाती है। तो वहीं टीवीएस एंटॉर्क की डिजाइनिंग की बात कर लेते हैं, तो ये भी फ्रंट से काफ़ी अच्छा लुक देती है, लेकिन इसमें आप टर्न इंडिकेटर लाइट देख सकते हैं। इसके भी हेड पे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे रिजिड आर जैसा देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे इसके हेड में भी इनबिल्ट टर्न इंडिकेटर लाइट दिया गया है। तो इसके फ्रंट एप्रन पे भी यहाँ पे पोजीशन लैम्प के साथ हेड लैम्प दिया गया है। तो इसके साइड व्यू की बात करें तो इसे साइड से देख सकते हैं। इसके साइड वाले फ्रंट पैनल पे आपको 125 की ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है। साइड वाले पैनल पे एंटॉर की 3D में लोगो मिल जाता है, और यहाँ पे काफी अच्छे कट्स बनाए गए हैं। इसके फ्लोर में स्पेस आपको ठीक ठाक मिल जाता है, दो लेयर के यहाँ पे सीट मिल जाती है। इसके अलावा स्प्लिट ग्रेव रेल दिया गया है, और यहाँ पे एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग भी मिल जाती है। तो इसके भी एक एग्जॉस्ट सिस्टम को आप देख सकते हैं, काफी स्टाइलिश, थोड़े से अलग डिजाइन की देखने को मिल जाता है। तो इसके रियर में आपको काफी अच्छा टेल लैम्प भी देखने को मिल जाती है। तो इन दोनों में से जिसकी डिजाइन आपको ज्यादा पसंद है उसको आप ले सकते हैं, डिजाइनिंग सेक्शन आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ की बात कर लेते हैं दोनों के इंजन की। तो यामा रिजिड आर में 125 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक SOSC 2 वाल्व फ्यूल इंजेक्शन इंजन दिया गया है। तो टीवीएस एंटॉर्क में 124.8 सीसी का 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्शन इंजन दिया गया है। तो यामा रिजिड आर का ये इंजन 6500 आरपीएम पर 6 किलोवाट का पावर, जबकि 5000 आरपीएम पर 9.7 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो टीवीएस एंटॉर्क का इंजन 7000 आरपीएम पर 6.9 किलोवाट का पावर, जबकि 5500 आरपीएम पर 10.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। दोनों स्कूटर की को सेल्फ स्टार्ट के साथ आती है। यहाँ पे दोनों के पावर फिगर को आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़े से ज्यादा पावरफुल इंजन के साथ टीवीएस एंटॉर्क मिल जाती है। तो अगर आपको थोड़े से ज्यादा पावरफुल इंजन के साथ अगर आपको स्कूटर लेना है इस सेगमेंट में, तो आप टीवीएस एंटॉर्क के साथ जा सकते हैं। हालांकि हमारे रिजिड आर में भी आपको कोई कम पावर देखने को नहीं मिलती है, लेकिन टीवीएस एंटॉर्क के कंपेयर में यहाँ पे आपको कम पावर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यामा रिजिड आर में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाली इंजन आने वाली है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया है, वहाँ पे आपको आपके नीड के हिसाब से पावर भी मिल जाएगी। तो फिलहाल अभी आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी नहीं देखने को मिल रही है। तो यहाँ की बात कर लेते हैं दोनों के फीचर्स की, कि दोनों स्कूटर में कितने आपको फीचर्स मिल जाते हैं। तो यामा रिजिड आर में यूनिफाइड ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाती है। तो टीवीएस एंटॉर्क में सिंक ब्रेकिंग सिस्टम दी गई है। यामा रिजिड आर में हेलोजन हेडलैम्प के साथ LED पोजीशन लैम्प दिया गया है, लेकिन यामा रिजिड आर का जो नया वेरिएंट आने वाला है हाइब्रिड वेरिएंट, उसमें आपको LED हेडलैम्प मिलेगा। टीवीएस एंटॉर्क में LED हेडलैम्प के साथ पोजीशन लैम्प भी दिया गया है। तो यामा रिजिड आर में फुल्ली डिजिटल मीटर मिल जाता है, जो कि इसके डिस्क ब्रेक वेरिएंट में फुल्ली डिजिटल मीटर मिलेगा। तो इस डिस्प्ले में स्पीड, फ्यूल और ऑडोमीटर की जानकारी मिल जाती है, और ये फिलहाल अभी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ नहीं आती है। तो ये टीवीएस एंटॉर्क में फुल्ली डिजिटल मीटर मिल जाता है, जहाँ पे स्पीड, ऑडोमीटर, ट्रिप, फ्यूल, लैप टाइमर, पावर इंडिकेटर, ये सारे यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं। इसके अलावा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, जिसकी वजह से इसमें नेविगेशन, लास्ट पार्किंग लोकेशन,
लो फ्यूल इंडिकेटर, हाई स्पीड अलर्ट भी यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो यहाँ पे ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पे जो मीटर कंसोल मिल जाता है वो टीवीएस एंटोर की मिल जाती है। तो अगर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ चाहिए तो आप फिलहाल अभी प्रेजेंट टाइम में आपको टीवीएस एंटोर मिल जाएगी। लेकिन यामाहा रेज़िडार का जो नया वेरिएंट आने वाला है, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, उसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलेगा। यामाहा रेज़िडार में साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ दिया गया है। इसके अलावा यामाहा रेज़िडार में आपको लार्ज बूट स्पेस मिल जाती है जहाँ पे आप हेलमेट रख सकते हैं। तो टीवीएस एंटोर में भी आपको बड़ा सा स्पेस मिल जाता है जहाँ पे मोबाइल कनेक्टिविटी भी दिया गया है। यामाहा रेज़िडार में आपको मल्टी की स्विच मिल जाता है जिससे कि आप सीट ओपन कर सकते हैं और स्कूटर को स्टार्ट कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। तो वहीं टीवीएस एंटोर में भी मल्टी फंक्शन की स्विच दिया गया है जिससे कि आप एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग को ओपन कर सकते हैं, सीट को ओपन कर सकते हैं, इसके अलावा स्कूटर को स्टार्ट कर सकते हैं और अपने स्टीयरिंग को लॉक भी कर सकते हैं। यामाहा रेज़िडार में सीट के नीचे फ्यूल फिलिंग दी गई है, लेकिन टीवीएस एंटोर में आपको एक्सटर्नल मिल जाता है। यामाहा रेज़िडार में स्टार्ट एंड स्टॉप सिस्टम दिया गया है। तो वहीं टीवीएस एंटोर में इंजन की स्विच मिल जाती है। यामाहा रेज़िडार में टू लेवल की सीट दी गई है। तो वहीं टीवीएस एंटोर में भी आपको टू लेवल की सीट मिल जाती है, लेकिन वहीं यामाहा रेज़िडार में आपको ग्रेबरेल मिलता है जो कि स्प्लिट नहीं है, लेकिन टीवीएस एंटोर में आपको स्प्लिट ग्रेबरेल मिल जाती है। इसके अलावा टीवीएस एंटोर में पार्किंग ब्रेक दिया गया है और डुअल स्टीयरिंग लॉक मिल जाता है जो कि यामाहा रेज़िडार में देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे दोनों स्कूटर में जितने फीचर मिल जाते हैं उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। यहाँ पे ज़्यादा फीचर्स के साथ टीवीएस एंटोर मिल जाती है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, इसके अलावा पार्किंग ब्रेक भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको ज़्यादा फीचर्स वाली स्कूटर चाहिए तो ऐसे में आप टीवीएस एंटोर के साथ जा सकते हैं। हालांकि यामाहा रेज़िडार में भी कोई कम आपको फीचर्स नहीं मिलते हैं। तो आगे बात कर लेते हैं दोनों सस्पेंशन की। तो यामाहा रेज़िडार के फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में यूनिट स्विंग सस्पेंशन दिया गया है। तो टीवीएस एंटोर के फ्रंट में टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक डैम्पर और रियर में कॉइल स्प्रिंग विद हाइड्रोलिक डैम्पर सस्पेंशन दिया गया है। यहाँ पे कंफर्टेबल के मामले में दोनों स्कूटर अपने सेगमेंट में अच्छी है। दोनों में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, लेकिन आप चाहे तो दोनों का टेस्ट ड्राइव लेकर अपना कंफर्टेबल चेक कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं टायर और ब्रेक्स की। तो यामाहा रेज़िडार के फ्रंट में 90x90 का 12 इंच का ट्यूबलेस टायर और रियर में 110x90 का 10 इंच का ट्यूबलेस टायर दिया गया है। तो वहीं टीवीएस एंटोर के फ्रंट और रियर में 100x80 का 12 इंच का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। तो यहाँ पे थोड़ी से ज़्यादा चौड़ी टायर भी आपको यामाहा रेज़िडार में मिल जाती है। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करिए तो यामाहा रेज़िडार के फ्रंट में 190mm का डिस्क ब्रेक और 130mm का ड्रम ब्रेक जो कि ऑप्शन मिल जाता है। तो इसके रियर में भी ड्रम ब्रेक लगा हुआ है। तो टीवीएस एंटोर के फ्रंट में 220mm का डिस्क ब्रेक और 130mm का ड्रम ब्रेक जो कि ऑप्शन में मिल जाता है। तो इसके रियर में 130mm का ड्रम ब्रेक लगा हुआ है। तो दोनों स्कूटर आपको डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक के साथ मिल जाती है, तो आप अपने नीड के हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो आगे बात कर लेते हैं माइलेज और टॉप स्पीड की। लेकिन उससे पहले मैं क्लियर कर दूं, जो भी माइलेज और टॉप स्पीड बताऊंगा फिक्स नहीं होगा, वो आपके राइडिंग कंडीशन पर डिपेंड करती है। तो यामाहा रेज़िडार में आपको 50 से 55 की एमपीएल तक अप्रॉक्स माइलेज मिल जाती है। तो वहीं टीवीएस एंटोर में भी आपको 50 की एमपीएल तक अप्रॉक्स माइलेज मिल जाती है, लेकिन ज़्यादा ट्रैफिक में चलाते हैं तो स्कूटर थोड़ी सी कम भी माइलेज दे सकती है। तो यामाहा रेज़िडार का टॉप स्पीड 95 की एमपीएस तक है। तो वहीं टीवीएस एंटोर की जो टॉप स्पीड है 102 की एमपीएस से लेकर 103 की एमपीएस तक है। यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा टॉप स्पीड आपको टीवीएस एंटोर में मिल जाती है क्योंकि इसमें इंजन भी थोड़े से पावरफुल दिया गया है। तो यहाँ बात कर लेते हैं कि डायमेंशंस की। तो यामाहा रेज़िडार का लें तो 1880mm विथ 685mm, हाइट 1190mm, व्हील बेस 1280mm, ग्राउंड क्लियरेंस 145mm, सीट हाइट 785mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 5.2 लीटर और इसका कर्व विथ 99 kg है। तो टीवीएस एंटोर का लेंथ 1861mm, विथ 710mm, हाइट 1164mm, व्हील बेस 1285mm, ग्राउंड क्लियरेंस 155mm, सीट हाइट 770mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 5.8 लीटर और इसका कर्व विथ 118 kg है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस जो कि टीवीएस एंटोर में देखने को मिल जाती है, सीट हाइट भी कम आपको टीवीएस एंटोर में मिल जाता है, फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी आपको ज़्यादा टीवीएस एंटोर में मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे आपको काफ़ी लाइट वेट अगर स्कूटर चाहिए तो आप इस सेगमेंट में यामाहा रेज़िडार के साथ जा सकती हैं, काफ़ी लाइट वेट स्कूटर आपको मिल जाती है। तो आगे बात कर लेते हैं दोनों के प्राइसिंग की। तो यामाहा रेज़िडार का एक्सरूम दिल्ली का प्राइस ड्रम ब्रेक वेरिएंट के साथ 73,330 यानी कि 73,330 रुपये तक है। तो इसके डिस्क ब्रेक वेरिएंट का एक्सरूम प्राइस 76,330 यानी कि 76,330 रुपये तक है। अगर इसके ऑनरोड प्राइस की बात करें तो अप्रॉक्स दिल्ली में इसका ड्रम ब्रेक वेरिएंट 85,700 यानी कि 85,700 रुपये तक मिल सकती है। तो इसका डिस्क ब्रेक वेरिएंट का ऑनरोड अप्रॉक्स प्राइस दिल्ली में 88,700 यानी कि 88,700 रुपये के आसपास होगी। तो टीवीएस एंटोर का एक्सरूम दिल्ली का प्राइस इसके ड्रम ब्रेक वेरिएंट के साथ 71,095 यानी कि 71,095 रुपये तक है। तो डिस्क ब्रेक वेरिएंट के साथ एक्सरूम प्राइस 75,395 यानी कि 75,395 रुपये तक है। अगर इसके ऑनरोड प्राइस की बात करें तो अप्रॉक्स दिल्ली में इसका ड्रम ब्रेक वेरिएंट 82,800 यानी कि 82,800 रुपये तक मिल सकती है। तो इसके डिस्क ब्रेक वेरिएंट का ऑनरोड अप्रॉक्स प्राइस दिल्ली में 87,500 यानी कि 87,500 रुपये के आसपास है। तो यहाँ पे इन दोनों के प्राइसिंग आप देख सकते हैं, इनके प्राइसिंग में थोड़ा बहुत ही अंतर है, लेकिन यहाँ पे यामाहा रेज़िडार थोड़ी सी महंगी भी आपको मिल रही है टीवीएस एंटोर के मुकाबले में। लेकिन टीवीएस एंटोर में आपने देखा काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं
इंजन पावर भी ज़्यादा मिल जाती है। तो यहाँ पे आप ज़्यादा अच्छे बजट के अंदर काफ़ी ज़्यादा फीचर्स के साथ टीवीएस एंटॉर्क आपको मिल जाती है। लेकिन वही अगर आपको यामाहा रेज़िडार पसंद आती है तो उसको भी आप ले सकती हैं, क्योंकि यामाहा रेज़िडार में लुक थोड़ा सा अच्छा मिल जाता है। इसके अलावा ये काफ़ी लाइट वेट स्कूटर है 125 cc सेगमेंट में होने के बावजूद भी। तो डिपेंड आप पे करता है कि आपको दोनों में से कौन सी ज़्यादा पसंद आती है, कौन सा आपके बजट के अंदर आता है। तो इन दोनों में से कौन सी आपको अच्छा लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा भी आपके मन में कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप में से काफ़ी सारे लोग हिली एरिया में रहते हैं, इसके लिए आपको ज़्यादा पावरफुल इंजन वाले स्कूटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप एक स्कूटर खरीदना चाहते हैं तो टीवीएस एंटॉर्क आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकती है, क्योंकि इसमें पावर आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है। तो इन दोनों स्कूटर के बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो दोनों स्कूटर में हाई क्वालिटी के प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आपको स्कूटर में मेटल का पार्ट देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को क्लिक जरूर कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।